मैं मिताली मैं शंकर और वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे मैं चैनल करल में। तो फ्रेंड, आज हम एक फूड ईटिंग चैलेंज लेके आए हैं और ये बिल्कुल घर का बना हुआ है, एकदम गर्मा गर्म आपको नज़र आ रहा होगा, इधर धुआं भी निकल रहा है। और ये हमारे अंशु वहां से बोल रहे चुप करो चुप करो अंश यही पे ही है, कह रहे चुप करो चुप करो, उस रूम में जा ही नहीं रहा, उसको भी इसी रूम में आना है और हमारे साथ मतलब हमें खाते हुए देखना है, बहुत जिद्दी कर रहा था। तो अभी ये है पुलाव चावल और हम लोग इसका चैलेंज कर रहे हैं कि दोनों में इक्वल इक्वल है। और हम लोगों ने चैलेंज किया है कि कौन पहले जीतता है, जीतने वाला हारने वाले को पनिशमेंट देगा। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, शंकर ने मुझे पनिश किया था, मुझे नमक खिलाया था। तो अभी मैं जीतूंगी और तुम चुप करो, मम्मा काम कर रही है अपना, मुंह बंद करके बैठो। देखो अंश के साथ ना वीडियो बनाना मतलब नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत बहुत आजकल बहुत बातें बातें करना सीखा है और बहुत बहुत बगर बगर करता है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कौन कितनी जल्दी खा सकता है पहले। 1 2 3 स्टार्ट। कभी बनाओ आप लोग, पुलाव बनाओ या बिरयानी बनाओ तो ऐसे छोटा छोटा टमाटर होता है ना, उसको काटना नहीं, उसको ऐसे ही डाल देना, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। बोलो कुछ, थोड़ा नमक कम है ना, नमक कम बोलो, नमक का डब्बा देना, मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा है। चाचा को जीतना है ना, हमेशा जीतने के लिए रेडी रहते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी खा रहे हैं। मेरे को तो खा भी नहीं आ रहा है, हाय ये तो ज्यादा ज्यादा गिर गया। ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अब से चैलेंज वीडियो ज़्यादा दिखाए, ब्लॉग हमारा बिल्कुल चलता नहीं है, बिल्कुल अच्छा रिस्पांस आता नहीं है, इतनी मेहनत करती हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो लोग नए हैं। सब्सक्राइब तो बोले मैं, सब्सक्राइब बहुत लोगों ने कर रखा है बट उसका 5% लोग भी नहीं दे 1% लोग भी नहीं देखते, मतलब सब्सक्राइबर इतने लोगों ने कर रखा है और उसका 1-2% लोग भी नहीं देखते तो कितना बुरा लगता है। और सब्सक्राइब तो कर लेते, वीडियो वॉच नहीं करते तो फायदा क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो भी पूरा देखो, और आप लोग नए नए हो चैनल पे तो हमारे पुराने चैलेंज वीडियो भी जरूर देखो, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। और कमेंट करना कि आगे क्या क्या फूड चैलेंज वीडियो हम दिखाएं या फिर कोई दूसरा चैलेंज वीडियो दिखाए। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज वीडियो लाए और कंटिन्यू रोज लाए और आप लोगों को अच्छा लगे। क्या देख रही हूँ मैं, तुम मुझे पनिशमेंट देने वाले हो ना आज, उसी से मैं डर रहा हूँ बहुत। मैंने पैसा ले लिया, मेरी थाली अभी भी भरी हुई है। अब शंकर जी को आधा से ज्यादा खाली हो गया। माही में पिटाई करूंगी अब। हमारा बेटा अंश बहुत ज्यादा परेशान करता है, वीडियो बनाने के लिए बनाने बैठो उसके आगे। अरे जब भी उसको वैसे पूरा टाइम उस रूम में खेलेगा और जब पता होता है मम्मी पापा को वीडियो बनाना है तब इस रूम में आने के लिए
शुरू हो जाता है। अभी कैमरे के आगे लेके आऊंगी ना, कैमरे के आगे लेके आऊंगी तो बोलती बंद हो जाएगी, फिर मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलेगा। तुम्हें मैंने शायद कम दिया था। अच्छा मैंने कम दिया था। मम्मी दे दो। तुम्हें देना है तो दे दो, मैं खा लूंगा। इतना मेहरबानी मैं कर दूंगा तुमको। रिजल्ट पता चल गया। दो चम्मच फ्रेंड पाना। तो बिना कौन है भाई साहब? थाली दिखा दो। ये मेरी थाली और वीडियो 6 मिनट या 7 मिनट करीब हुआ है। तो भाई साहब ने बहुत गर्म है, गर्म पानी है, उसको ठंडा मिलाना पड़ेगा। भाई साहब ने 6 मिनट में अपना खाना पूरा फिनिश कर दिया। ये नहीं कि इतना इतना लेके आई, मैं पूरा घर के एकदम ऐसे राउंड शेप में करके दबा दबा के लेके आई हूँ, ताकि थोड़ा मतलब खाए भी हम और थोड़ा वीडियो भी बड़ा बने, ये ना कि एक दो मिनट में ही ख़त्म हो जाए। इन्होंने मुझे हरा दिया। और खाओगे ना? तो क्या पनिशमेंट दे तुम्हें? पनिशमेंट क्या दोगे बोलो? पहले मैं खा लेती हूँ आराम से, उसके बाद आराम से बैठ के। आराम से नहीं है भाई, अभी पनिशमेंट देना है। हाँ, इसको छोड़ दो। क्या पनिशमेंट? रोक दो वीडियो को फिर। खा लिया है मैंने खाना पीना और मिताली हार गई। जैसे कि पता है इस बार भी मैं, यार मैं हार कैसे गई मुझे पता नहीं चल रहा। इन्होंने मतलब ऐसा लग रहा है कि आधे से ज्यादा चावल जो था, पुलाव चावल जो था, गायब ही कर दिया। कैमरे के सामने हो ही रहा था, क्या हुआ नहीं। बस सच में मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था, मुझे बहुत गर्म लग रहा था, बस मैं धीरे धीरे फूक फूक के खा रही थी। कहाँ गर्म था, ठंडा हो गया। हाँ वो वैसा तुम्हें लग रहा है, उसमें से धुआं निकल रहा था, मेरे मुँह में से धुआं निकल रहा था, मैंने दिखाया कैमरे में। चलो कुछ भी हो, जैसे कि पता है अभी ये विनर है, तो उन्होंने पनिशमेंट पहले एक गंदा सा बोला था, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। बोला था पहले तो देखो, पहले वाले मतलब लास्ट वाला जो वीडियो आप जाके देखो, अगर नहीं देखा है तो, उसमें मुझे नमक खिलाया। और दूसरे वाले वीडियो में कह रहा मैं तुम्हें एक चम्मच हल्दी खिलाऊंगा, बड़ा चम्मच भर के। ये कौन सी बात हुई? मतलब सारे मसाले मेरे ऊपर ही ट्राई करने हैं, क्योंकि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा पनिशमेंट क्या दे। तो आप लोग कमेंट करके बताने कि क्या बेस्ट पनिशमेंट आप लोगों को अच्छा लगता है, वो सब बताना। अगर उसमें से कोई अच्छा लगे तो आगे वाले चैलेंज वीडियो में वही सब पनिशमेंट ही देंगे हम। तो उसके बाद इन्होंने फिर पता नहीं दूसरा क्या पनिशमेंट सोचा है। एक रोमांटिक सा गाना गाओगे मेरे लिए? हाँ, इनके लिए एक रोमांटिक सा गाना गाना है। दो मिनट का नहीं भाई, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ कि मुझे 2 मिनट का बड़ा गाना, 2-4 लाइन गा दूँ वही बहुत बड़ी बात है, और मैं ऑन कैमरा गाऊंगी वही बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। तो मेरा भी टाइम आएगा तो अब पनिशमेंट मानना ही पड़ेगा। और मुझे मेरे गले का आवाज़ थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जुकाम है। और सच में मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि मैं गाना गाऊँ, बट फिर भी अब जब हार चुकी हूँ तो चैलेंज इनका जो भी पनिशमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा और गाना पड़ेगा। तो रोमांटिक सा सॉन्ग चलो मैं सुना ही देती हूँ एक दो लाइन, और कैसा लगे आप लोग भी बताना। तुम्हारी तरफ देख के गाऊंगी, ठीक है? जादू है नशा है मदहोशिया, तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ। जादू है नशा है मदहोशिया, तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ। ये पल है अपना
जीले। बस हो गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा। और कौन सी मूवी का गाना था ये? जिसमें, अरे वाह, क्लैप क्लैप। और हीरो हीरोइन? जॉन अब्राहम, इसमें भाई पास पास। अरे वाह, तुम्हें तो सब पता है। और अच्छी मूवी है, ये गाना भी बहुत अच्छा है, आता भी है मुझे, बट इतना गा दिया वही बहुत बड़ी बात है, बट अच्छा लगता है। तो आज का ये वाला वीडियो खत्म करते हैं, एंड करते हैं, एंड करते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नीचे वाला बेल आइकन दबा दे, और मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।